लाहौर शहर वालों, इस वक्त आपके शहर के आसमान पर 4 बजने से, अब 4:01 हो गए, इस वक्त ये बादलों का टुकड़ा है, ठीक है। और मैं दुनिया के सारे काफिरों के, सारे झूठे मजहब के, सारे झूठे खुदाओं की मट्टी पलीत कर रहा हूँ अल्लाह के फजल से, बड़े अरसे से अल्लाह की मदद से, मायरिकल्स के साथ। ये अल्लाह के नाम का दरख्त है, जे देख लें आप, सिग्नेचर क्लियर है, अरे क्लियर है, अल्लाह के नाम का सिग्नेचर है, ओके। और इस वक्त जो आसमान के बीच में है ना, ये भी अल्लाह ही के नाम का सिग्नेचर है, बाय द वे। अभी कुछ देर पहले कुछ और था, एक फुटेज में बना चुका हूँ। तपती धूप है, आसमान दूर तक देख लो, और धूप भी है, सूरज भी तप रहा है। आप लाहौर शहर में गर्मी का मज़ा कर रहे हैं ना, वो गर्मी अल्लाह के हुक्म से हुई है इस वक्त। मिल गया, अभी मैं वेट कर रहा हूँ कि इसको अल्लाह अगर अपने दस्तखत में और थोड़ा सा चेंज कर दे तो अच्छी बात है। मैं झूठे खुदाओं की औकात दिखा रहा हूँ कि वो बादल के टुकड़े को भी कंट्रोल नहीं करते। मैं क्या दिखाऊँगा, अगर दरअसल अगर अल्लाह कुछ करना चाह रहा तो करेगा, मैं जो एक्सप्लेन कर सकता हूँ वही करूँगा। आई एम जस्ट वेटिंग टू सी कि होता क्या है, ठीक है। अगर अल्लाह ने चाहा तो अपने नाम के अंदर इसको दोबारा ट्रांसफॉर्म कर सकता है, ठीक है, नहीं करेगा उसकी मर्ज़ी। मैंने कैमरा ऑन कर लिया, बंद भी हो सकता है मेरा कैमरा हीट की वजह से, गर्मी बहुत है। या अल्लाह, मोबाइल बंद हो जाएगा, मुझे नहीं पता आप कुछ करना चाह रहे हैं नहीं करना चाह रहे, ठीक है। जहाँ तक जो भी कुछ है मैं बस ले रहा हूँ। देखो, बादलों को राम विष्णु कृष्णा हनुमान ज्यूस थौर यावे कोई कंट्रोल नहीं करता। इस वक्त जितने भी एथिस अल्लाह के खिलाफ काम कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, वो सब झूठे हैं, दो नंबरी हैं, फ्रॉडी हैं, बखैरत हैं, शैतान के कुत्ते हैं। वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भौंकते हैं, वो अल्लाह पे भी भौंक रहे हैं, ठीक है। और उनकी औकात मैंने बहुत दफ़ा दिखाई है, अभी भी हो सकता है अल्लाह अपना दस्तखत पूरा थोड़ा सा ठीक कर एडजस्ट कर दे, तो तुम खुद देख लोगे कि अल्लाह के अलावा कोई खुदा नहीं है जो बादलों को कंट्रोल कर सके। अल्लाह से कंट्रोल तक नहीं छीन सकते वो लोग, अल्लाह से बादल का, इस बादल की बात कर रहा हूँ क्योंकि अभी तो यही है, पहले ही अल्लाह के ये दस्तखत में शामिल था, अब नहीं है, अभी थोड़ा सा मिल गया है। सो, अगर इसको थोड़ा सा अल्लाह ट्विस्टिंग कर दे, थोड़ा सा एडजस्टमेंट, तो ये अल्लाह का नाम है, पूरा हो जाएगा फिर। और हो जाता है तो अपनी आंखों से देख लेना रियल टाइम ट्रांसफॉर्मेशन, क्या पता इधर वाले को कर दे वो, कुछ नहीं पता, क्या पता पीछे वाले को कर दे, क्या पता मेरे सर पे जो आया वो इसको कर दे, किसी को भी कर सकता है, उम्मीद तो इस पर है मुझे। सो, मैं ये बता रहा हूँ, जब तक ये काम हो रहा है, मैं ज़रा अपने आप को भी बड़ा कर लूँ, 15% बैटरी है, माई गॉड। सो, जब तक वो हो रहा है, ठीक है, वो मैं दिखा दूँगा, मैं ऊपर देख ही रहा हूँ, अभी ऊपर मोबाइल करूँगा, उस पीछे सनलाइट भी है। सो, बात यह है कि दुनिया के अंदर इस वक्त लोग किताबों से बहस मुबासा कर रहे हैं, किताबों में लिखी हुई बातों पर लड़ रहे हैं, किताब में हनुमान का नाम लिखा है, किताब में विष्णु का नाम लिखा है, सोशल मीडिया की पोस्ट पे फला नाम है, कमेंट पे फला नाम है, कमेंट लिखने वाला इंसान है अपनी तरफ से जो दिमाग में फोड़ रहा है वहाँ पर लिख लिख के बकवास कर रहे हैं, क्योरा के ऊपर बकवास कर रहे हैं, लिंकडिन पे बकवास कर रहे हैं, फिर टिकटॉक पे बकवास कर रहे हैं, फेसबुक पे बकवास कर रहे हैं, जिसके जो दिल चाह रहा है उठा मुंह उठा के लिखे आ रहा है। इंसान ही है ना लिखने वाला, अपने हाथ से टाइपिंग कर देता है, अपने मुंह से बोल देता है, उसकी इमेजिनेशन में जो है वो उसको खुदा बोल रहा है। हम रियल वर्ल्ड फिजिकल वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, मैं रियल फिजिकल वर्ल्ड दिखा रहा हूँ। फिजिकल वर्ल्ड में कौन है जो बादल को बनाता है, कंट्रोल करता है, आसमानों पर लाता है और अपने नाम में तब्दील कर देता है, बस। अगर गैर मुस्लिमों के झूठे खुदा हैं तो करके दिखा दें, रियल टाइम पे करें, उनका कोई पैरोकार आ जाए दिखा दें कि उसका माबूद उसके सर के ऊपर सिग्नेचर जाहिर करता है बादलों के जरिए, ओरिजिनल नाम लिख के दिखा उसका माबूद, पूरा ओरिजिनल नाम, और एक दफ़ा नहीं मल्टीपल टाइम्स करना पड़ेगा, अल्लाह ने मल्टीपल टाइम्स किया, ठीक है, फिजिकल तौर पर करना पड़ेगा, फिजिकल वर्ल्ड में, ये फिजिकल मायरिकल है, और वो दरख्त के ऊपर जो बादल है वो फिजिकल वाला नहीं हुआ, देखो वो वाला नहीं हुआ है, पहले था, अब वो चेंज हो चुका है, उधर मैं देख रहा हूँ अभी, उससे वाले पे मुझे थोड़ा अब डाउट हो गया है, ठीक है, इधर कुछ भी नहीं है। सो, ठीक है, ये वाला तो नहीं हुआ, ओके, क्लियर है। अब वो जो है ना, ये वाला, ये लिल्ला में शायद तब्दील हो जाए, अब मैं इसके ऊपर उम्मीद लगा रहा हूँ, पता नहीं अभी अल्लाह का कुछ नहीं पता होता वो क्या करना चाह रहा है, पहले उसने उधर किया हुआ था, वीडियो में वायरल बना चुका हूँ, हो सकता है ये लेक्चर के तौर पे आ जाए तो लेक्चर के तौर पे ले लेंगे, कोई मसला नहीं, मैं तुम्हें जो अल्लाह ने नाम लिख लिख के दिखाया उनकी स्क्रीन शॉट्स में चला दूंगा, मेरे सामने जो भी सिग्नेचर जाहिर हुए अब तक। सो, ठीक है, वो वाला भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है, मैं समझ गया, वो एक लेक्चर ही है। सो, ये है बात के भाई, अल्लाह जब चाहता है तब बादल ट्रांसफॉर्म होते हैं अल्लाह के नाम पर, ये वाला ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ, वो भी ट्रांसफॉर्म नहीं हुए, मतलब ये कि
अभी तक जो ट्रांसफॉर्मेशन हुई हैं मेरे सामने, वो अल्लाह के हुक्म से हुई हैं, रियल वर्ल्ड में हुई हैं। गैर मुस्लिमों ने जितने भी बातिल खुदा बनाए हुए हैं, झूठे दो नंबर खुदा बनाए हुए हैं, इनके नाम पे ये झूठी किताबें लिखते हैं, इनके नाम पे झूठी वीडियोस बनाते हैं, बहस मुबाहसा करते हैं, टीवी चैनल पे डिबेट्स करते हैं और सिर्फ टाइम बर्बाद कर रहे हैं अपने आवाम का, दुनिया की आवाम को बेवकूफ़ बना के लड़वा दिया आपस में। ये विष्णु की पूजा करो, हनुमान की पूजा करो, कृष्णा की पूजा करो, जीसस की पूजा करो, और सब के सब टोपी ड्रामा कर रहे हैं, ये सारे गैर मुस्लिम टोपी ड्रामा कर रहे हैं। ये अकल इस्तेमाल नहीं करते इनके मज़हबी पेशवा, गैर मुस्लिम की ये इन्होंने अपनी अपनी आवाम को, अब अपनी आवाम क्या, इन्होंने दुनिया के इंसानों को बेवकूफ़ बना दिया और आपस में कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ा दिया। वही काम जो कि मुसलमानों के उलम मुफ्त फ़िरका परस्तों ने, फ़िरका परस्त ग्रुपों ने एक दूसरे के ख़िलाफ़ करवाया है इनको कंट्रोल करके, वही काम इन गैर मुस्लिमों ने किया, अपने अपने मज़हब बना के डुगडुगी बचा के बेवकूफ़ बना दिया लोगों को। सो अगर इनकी औकात होती तो ये लोग भी कोई ना कोई ऐसा कोई कारनामा दिखाते अपने उन झूठे खुदाओं की मदद से जो कि अल्लाह वाहिदुल कहार दिखाता है। सो बात ये है कि जिसकी सल्तनत है उसी की खुदाई है और उसी की बादशाहत है, उसी की बड़ाई है। अब मैं कुछ दिखाता हूँ इतनी देर में वहाँ पर क्या हुआ, देखो ठीक हो गया। अभी भी ये अजीब सीन है, ठीक है, ये पूरा मिला, ये मिला नहीं है अभी, जाहिर से बात है मैं इसको कुछ नहीं कह रहा, लेकिन अगर ये एक और लाइन आ जाए बीच में या ये थोड़े से मिल जाए तो लिल्ला बन जाएगा, और अगर बीच में एक लाइन और आ गई तो ये अल्लाह बन जाएगा, ठीक है। ये मैं बता रहा हूँ क्योंकि डेफिनेटली अरबी जिसने पढ़ी है या अरबी का वो गूगल पे भी आके देख ले उसे पता लग जाएगा, अभी मैं कुछ नहीं कह रहा, अभी तो वो फिर बादल के सिर्फ टुकड़े हैं उधर 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 उधर। सो देखते हैं, 10 मिनट का डुअल कैमरा होता है, इफ़ समथिंग हैपेंस आई विल शो, अदरवाइज लेट मी टॉक 10 मिनट तक के लिए, देखते हैं क्या है। वैसे लाहौर शहर के अंदर गर्मी है, महकमा मौसमियात वालों के जितने दावे थे, जितनी पैशन गोई थी, सब अल्लाह ने बिखेर दिए ज़मीन के ऊपर, सत्यानाश करके रख दिए, इसलिए कि ये लोग बहुत बोल रहे थे ये होगा वो होगा मानसून आएगा फलाना ढिमाका, कहाँ है मानसून, कहाँ ना मानसून है ना गर्मी, ना ठंड है, ना एसी है, ना कुछ है, ना बारिश, ना कतरा, ठीक है। प्लस मैंने ख़ुद चैलेंज भी कर दिया है सारे इंसानों को, सो बारिश के हवाले से, ठीक है ना, चैलेंज मेरे देख लेना, चैलेंज क्या है, डिटेल क्या है, वो सारी उसमें मौजूद है। एक्सेप्ट करने की किसी की औकात नहीं है, ये मैं भी जानता हूँ, इसलिए वो चैलेंज ऐसे ही चलता जाएगा, कोई मुकाबले पे आएगा नहीं, मैं ऑटोमेटिकली विनर हो जाऊँगा अल्लाह के फजल से, ठीक ठीक, बादल अल्लाह के, मर्ज़ी अल्लाह की चलेगी, वो चाहेगा बारिश कर दे, नहीं चाहे ना करे, लेकिन अल्लाह के अलावा कोई इंसान ऐसा नहीं कर सकता कि वो बारिश कर दे 10 तख्तों के साथ जैसे मैंने चैलेंज दिया, वो पॉइंट पॉसिबल है। ये काम पॉसिबल उसी वक्त है जब कोई कोशिश करे मेरी तरह, नियत उसकी हो मेरी तरह, और मदद उसके पास हो अल्लाह की तरह, जैसी अल्लाह मदद करता है, क्योंकि मेरी तो उसने ही मदद की है ना, मैं किसी और को क्यों बोलूं। तो मेरी मदद पे जो कायनात का बादशाह है वो सबको उनकी औकात दिखा देता है कि देख लो तुम इसका मुकाबला नहीं कर पा रहे, जब इसका मुकाबला नहीं कर पा रहे तो अल्लाह का मुकाबला कैसे करोगे। मैं तो इंसान हूँ, मैं तो प्रचार ही उसका करता हूँ, मैं तो प्रमोशन ही उसकी कर रहा हूँ कि उसकी ताकत, उसकी सल्तनत है। या अल्लाह क्या किया आपने अब तक, ज़रा देखे तो सही। ओह माय गॉड, वैसे अब ना थोड़ा बहुत नहीं, काफ़ी हद तक वो अल्लाह के नाम का सिग्नेचर बन गया है। अभी मैं बातें कर रहा था, मैं क्या करूँ, देखना ज़रा अल्लाह की चीले भी आ चुकी हैं वहाँ पर, अब गौर करो, ये देख लो आ गया अल्लाह का नाम, बन गया अल्लाह के नाम में, ठीक है, बिल्कुल परफेक्टली तुम्हें नहीं दिख रहा होगा, तुमको जब परफेक्ट नहीं, वो डिज़ाइनिंग करता है अपने हिसाब से। सो अब तुम उसको देख लो और इसको देख लो, ठीक है, सिमिलैरिटी दिख गई है, यह भी हुआ है, मैंने तो कुछ नहीं किया, मेरे तो हाथ ये रहे मेरे हाथ, मैं आसमानों पर टच थोड़ी कर रहा, टुकड़ा वही है बादल का, पहले भी ये अल्लाह के नाम में था, फिर बीच में टुकड़ा चेंज किया अल्लाह ने, उसके बाद फिर अपने नाम में तब्दील कर दिया, और ये अल्लाह ही का नाम है, ठीक है, थोड़ा डिफरेंट आर्टिस्टिक स्टाइल में, वो अलग बात है। चलें जी, अल्लाह मैंने कर लिया, अभी पूरी 10 मिनट करने थे, होने देते हैं, जाने देते हैं, दिखा दो दिया, राम कृष्णा विष्णु की औकात थोड़ी है। और ज़रा गौर करो, ये पहले भी कभी कभी हुआ हुआ है कि अल्लाह का नाम आता है ना, तो स्पेशल किस्म की बहुत सारी चीलें जमा हुई हैं मेरे साथ, ये पहले भी इवेंट में हुआ है। अब तुम देखो उसी जगह अचानक ही चीलों का रश कहाँ से आया, धूप में अभी आया ना एकदम, और उस वो जो नाम था उस जगह पे चीलों की इतनी ऊंचाई पे जाके चीलें जमा हो गई क्यों, और देखो अब वो डिसअपियर भी हो रहा है, हो गया चेंज, क्योंकि वीडियो ख़त्म पर है, अल्लाह को पता है ना, बस जितना बनवाना था बनवा लिया, कल वहाँ पढ़ के इस्लाम में आ जाओ, और इन एथिस हिंदू ईसाई यहूदी कादियानी शिया वगैरह जितने भी इनके झूठे मज़हब हैं इनको छोड़ दो और सुन्नी मुस्लिम बन जाओ। अल्लाह हू अकबर।
थैंक यू अल्लाह। मुझे कहते हो बारिश बरसवा के दिखाओ, एक महीने तक तुम पानी का एक कतरा ही बरसवा के दिखा दो आसमान से, अगर तुम सच्चे हो। और बुला लो अल्लाह के सिवा अपने जितने भी झूठे खुदाओं को बुलाना है, और उनके दस्तखत के साथ करवा के दिखाओ। अल्लाह अकबर। जून 2024, यादगार है पाकिस्तान, बताता हूँ तुम सबको मैं अब अल्लाह की मदद से। अल्लाह अकबर। Sari mo ka pagasadani pa mapagam.